हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये क्या होती है, क्यों होती है और इसके क्या रोकथाम है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड देयर कंट्रोल। दोस्तों, एसटीडी जो होती है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है और इन रोगों के जो नतीजे होते हैं वो बहुत ही भयानक होते हैं, इसलिए इनको हल्के में नहीं लेना। अब ये कैसे होती है, इसके पीछे क्या जिम्मेदार हैं, इसका क्या कारण है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसटीडीज जो होती है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे पहले जो आता है वो नाम है सिफिलिसिस का। ये इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनमें बिना दर्द वाले दाने निकलते हैं और ये दाने आमतौर पर प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्से पर निकलते हैं, लाइक सर्विक्स, एनस या पेनिस। और इस प्रकार के जो एसटीडी रोग होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों को एक समान लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा जो होता है वो है जेनिटल हर्पीज। जेनिटल हर्पीज जो होता है ये भी सिफिलिस वायरस द्वारा संक्रमित होने के पहले 1 से 3 हफ्ते के अंदर फ्लू जैसे इसमें लक्षण आते हैं, जैसे फीवर आना, फिटीग होना, थकान होना या आपकी जो ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन और पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। इसके अलावा जो प्राइवेट पार्ट है, आपका एनस है, आपकी थाइज हैं या जांघ के ऊपर का हिस्सा, वहां पर घाव या छाले हो सकते हैं। तीसरी जो एसटीडी होती है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको HVP बोलते हैं। ये आम एसटीडीआई होती है। इसमें HPV वाले जो कई लोग होते हैं किसी के भी लक्षण विकसित नहीं होते, लेकिन फिर भी यह अगर किसी एसटीडी से संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से ये दूसरे को पहल फैल सकती है। अब इसमें क्या होता है, तो इसके जो आसपास की जो प्राइवेट पार्ट के आसपास की जो स्किन होती है वहाँ पे मस्सा टाइप बन जाता है कुछ। इसके अलावा जो होता है अक्सर उसकी जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है प्राइवेट पार्ट की, और उनमें जो खुजली होती है, जो वहाँ पे मस्से बने होते हैं। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट के ऊपर की तरफ या उसके अंदर या उसके आसपास ये मस्से होते हैं। अब दूसरी जो आती है ये आती है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया ये एसटीडी रोग है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन ये जो युवा महिलाएं होती है, माता बहनें होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट से येलो कलर का चिपचिपा या मवाद जैसा कोई अधिक स्राव होता है किसी पदार्थ का। उसके अलावा जो मेल पार्टनर होते हैं, मेल लोग होते हैं, उनके भी पेनिस से ये इस तरह का स्राव होता है। यूरिन करते हुए उनको दर्द होता है या उनको अधिक यूरिन आता है। उसके बाद उसके जो मेल के जो पार्ट होते हैं अंडकोश, उनमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है या उनको सेक्स करते हुए उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, या उनके एनस से येलो कलर का मवाद, इस तरह के कुछ लक्षण आ सकते हैं। दूसरा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लेमाइडिया है। द इफेक्ट क्या होते हैं, ये एक हेल्दी यूट्रस है इस तरफ और यहाँ पे क्लेमाइडियस इसमें कॉज किया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल रूट फॉर द एग फ्रॉम द ओवरी एंड यूट्रस आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसने ब्लॉक किया हुआ है क्लेमाइडिया ने। तो यह एक आपको यूट्रस में दिखाया हुआ है। उसके बाद आता है HIV, असुरक्षित सेक्स करने के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ये आम सर्दी जुकाम और फ्लू की समस्या होती है, जैसे कि आपको फीवर आता है। इसके जो मेन रीजन होता है वो है अनसेफ सेक्स करने से, और इसके जो 3 से 6 हफ्ते के अंदर बुखार, सिर दर्द, छाले, दस्त या गला खराब जैसे हो सकते हैं। इसलिए अधिकांश लोगों को पता नहीं चलता कि वे HIV से संक्रमित होते हैं। और ये HIV जो होता है दोस्तों, ये हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है और धीरे धीरे ये मौत की तरफ लेके जाता है। इसी की अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जो कि 1 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है, वो एड्स की अवेयरनेस के लिए। फिर आता है गोनोरिया। गोनोरिया जो होता है ये भी एक एसटीडी डिजीज होती है, जिसका अगर समय से इलाज ना किया जाए तो ये इनफर्टिलिटी या बांझपन का कारण होता है। यह रोग अगर किसी प्रेग्नेंट माता बहन को हो जाता है तो उसके होने वाले बच्चों में भी हो सकता है। यह अनप्रोटेक्टेड या वेजाइनल सेक्स या ओरल सेक्स करने से भी होता है,
और अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो फ्रेंड इसके सिम्टम्स होते हैं कि गले या मूत्र नली या उनके जो प्राइवेट पार्ट एनस पार्ट होता होता है वहाँ पे उनको संक्रमण होता है, और वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में येलो कलर का लिक्विड निकलता है और वहाँ बहुत गंदी बदबू आती है उनके प्राइवेट पार्ट से। यूरिन और संभोग करते समय भी उनको बहुत दर्द होता है, अंडकोश में भी बहुत दर्द और सूजन होती है। इसके अलावा सेक्स के बाद ब्लीडिंग आती है, गुदे या एनस में खुजली या खून जो मवाद जैसे स्राव होते हैं, और मलत्याग में परेशानी और पेट दर्द आदि गोनोरिया के शुरुआती लक्षण होते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गोनोरिया की, ये एक फीमेल पार्ट है और ये यहाँ पे मेल का दिखाया हुआ है। तो अगर किसी फीमेल को गोनोरिया होता है तो गोनोरिया इज अ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनोरिया इज कॉज बाय द बैक्टीरियम दैट इज द नेजेरिया गोनोरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो उसके सिम्टम से अगर फीमेल में होता है तो एबनॉर्मल उसको एब्डोमिनल पेन होता है, उनको वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, पेनफुल यूरिनेशन, उनको टॉयलेट करते टाइम पेन होता है, उसके बाद पेनफुल इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, और उनको पीरियड्स के बीच में भी, उनको उससे पहले भी और उनके बीच में भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। उसके अलावा अगर किसी मेल को गोनोरिया होता है तो उसमें डिस्चार्ज होता है उनके पेनिस से, उसके बाद स्वेलन हो जाता है, उनके टेस्टिकल्स जो होते हैं जिनको अंडकोश बोलते हैं वो स्वेलिंग हो जाती है, उनको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूटीआई हो जाता है। उसके अलावा इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनिस, और उनके जो पेनिस पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा जलन की महसूस होती है, ये गोनोरिया के लक्षण होते हैं दोस्तों। अब है कि आपको एसटीडी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो फ्रेंड जब भी आप अनसेफ सेक्स के बारे में सोचते हैं तो एक बार अपनी सेहत को लेके जरूर जागरूक रहें कि कहीं आप एसटीडी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि जब भी आप सेक्स के करते हैं तो आपको कॉन्डम यूज़ करना चाहिए, और उसके अलावा अगर आप ड्रग्स लेते हैं या किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उससे भी आपको बचना चाहिए ताकि आप एसटीडी से बचे रहें। अवैध नशीली दवाओं के इस्तेमाल से भी जो एसटीडी रोग बढ़ते हैं, खासकर महिलाओं में सिफिलिस का रोग बढ़ता है। इसके लिए आपको कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपको अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए सेक्स के दौरान लेते हैं, जो कि आप बॉडी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करती है। इसके अलावा आप एंटीबायोटिक लेते हैं, कुछ एंटीबायोटिक अंधाधुंध इस्तेमाल करने से भी आपको जो है सिफिलिस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं और उन पर इनका कुछ असर नहीं होता है। यह बहुत ही गंभीर समस्या होती जाती है कि लोग अपने में खुद डॉक्टर बनते हैं और एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब इसके अलावा आपको क्या क्या करना चाहिए, एब्सेंटीज, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर आप एसटीडी का कोई भी लक्षण आप में दिखता है तो आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने से बचें, स्टे फेथफुल मोनोगेमी विद वन अनइन्फेक्टेड पार्टनर, और हमेशा अपने रिलेशनशिप में ये आपको रहना है कि आपको मोनोगेमी, ये मतलब आपको एक ही अनइफेक्टेड पार्टनर जो कि बिल्कुल भी एसटीडी से संक्रमित ना हो उसके साथ आप अपना संबंध बनाएं। चूज लोअर रिस्क बिहेवियर, नो फ्लूड एक्सचेंज, टेक प्रिकॉशंस, और हमेशा आपको ये प्रिकॉशंस जरूर लेने चाहिए कि आप जो भी अपने फ्रेंड्स के साथ आपका जो सेक्स पार्टनर है वो लिमिट में होना चाहिए, और आप मल्टी सेक्स पार्टनर नहीं रखें। यूज अ लेटेक्स कॉन्डम, और कॉन्डम जो भी यूज करें वो लेटेक्स वाला होना चाहिए। अवॉइड ड्रग्स यूज, माइंड अल्टरिंग ड्रग्स जितने भी होते हैं चाहे वो अल्कोहल है या अदर ड्रग्स, वो आपको अवॉइड करने चाहिए। इफ यू आर सेक्सुअली एक्टिव, ऑब्जर्व योर पार्टनर फॉर सोर्स डिस्चार्ज और निडल्स ट्रैक, गेट एन एसटीडी एग्जाम एवरी 6 मंथ। और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप अपने पार्टनर का ये देखें कि उनको इनमें से किसी चीज का सिम्टम्स तो नहीं है, और तभी आप अपना संबंध बनाएं, और कम से कम 6 महीने में आपको अपना एसटीडी एग्जाम जरूर कराना चाहिए, यानी कि सेक्सुअल ट्रांस डिजीज के बारे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइकोनोसिस, ये ट्राइकोमोनोसिस जो होता है ये सबसे आम यौन संचरित संक्रमणों में से एक होता है। यह रोग का जो सबसे बड़ा कारण होता है मल्टीप्लेक्स सेक्स करना, और सेक्स के दौरान अगर आप कोंडम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह रोग होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। ये आमतौर पर क्या होता है कि जो वेजाइना पार्ट होता है या मूत्र मार्ग होता है या यूट्रस की जो नेक होती है उसको प्रभावित करता है, और मेल में यह उनके
मेल में उनके मूत्र मार्ग या उनके पेनिस की जो स्किन होती है उस पे विकसित होता है। अब इसमें क्या होता है, तो इसके लक्षण होते हैं कि जो फीमेल होती हैं उनके वेजाइना पार्ट से बहुत तेज बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू आती है, और यूरिन और सेक्स करते हुए भी उनको बहुत दर्द होता है। इसके आसपास उनको खुजली होती है। उसके बाद आता है कैंडिडा। ये कैंडिडा जो होता है फ्रेंड्स, ये ईस्ट से संक्रमित लोगों का कई लक्षण इसमें नजर नहीं आते हैं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसमें ज्यादा दिखाई देती है। इससे क्या होता है, इस संक्रमण से जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसके आसपास जलन और खुजली होती है और वहाँ रेडनेस बन जाता है। उसके अलावा एक गाढ़ा स्राव या बदबूदार लिक्विड वहां से उनके प्राइवेट पार्ट से निकलता है और यूरिन या इंटरकोर्स करते हुए उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी लक्षण से आप पीड़ित हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये एसटीडी जो होती है ये क्योरेबल होती है, और इसमें बातचीत करने में आपस में शर्म नहीं करनी चाहिए, आपको एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, वरना आपको छोटे सी एसटीडी से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।